देखिए, जो भी हम लोग आपको ये प्रोसेस बता रहे हैं, ये लाइव कर रहे हैं, इसलिए मैं इसको शूट कर रहा हूँ वीडियो। कोई आपत्ति तो नहीं ना वीडियो शूट करने में? ठीक है, मैं लाइव इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपके पास भी इसका प्रमाण रहे। अगर आप चाहेंगे तो कल मैं इसको यूट्यूब पे भी डाल सकता हूँ, क्योंकि हम लोग जो भी सिखाते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि बिल्कुल रियलिस्टिक रखें। क्योंकि देखिए, आज जो यहाँ रिजल्ट दिखेगा और इसी रेशियो से आप जब बड़े बैच में भी बनाएंगे रिजल्ट दिखेगा तो सेम बनेगा, क्योंकि ये तो छोटा बैच है। अभी नीचे मिक्सर में जब आप इसको डाल के नाप तोल के डालेंगे इसी फॉर्मुलेशन के हिसाब से, तो इनके रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम आएंगे। ठीक है जी? जी, अब ये देखिए, यहाँ पे हम लोग ने सेटअप क्या किया है, ये सारे केमिकल ले लिए हैं और इसमें छोटा काटा ले लिया। तो ये जो ये कितने रुपए फॉर्मुलेशन है सर? ये लगभग 35 रुपीज इंक्लूडिंग GST है, टैक्स लेकर 35 रुपीज का फॉर्मुलेशन बनाया जा रहा है। इसमें सरकारी 18% GST जुड़ी हुई है। हाँ, फॉर्मुलेशन कॉस्ट और GST जुड़ी हुई है। ठीक है, अब इसमें हम लोग ने अभी क्या क्या आइटम मिला लिए हैं सर? देखिए, OT पेस्ट पेस्ट फॉर्म में है, सोडा जो होता है पाउडर फॉर्म में होता है, स्टरी होती है लिक्विड फॉर्म में, और सॉल्ट होता है ये भी पाउडर फॉर्म में होता है। OT पेस्ट क्या लिक्विड फॉर्म में? ये होता है आपका सर पेस्ट फॉर्म में। पेस्ट मीन्स ये अभी आपको ये दिखाया जाएगा, ये देखिए ऐसा पेस्ट है, हाँ वैसा पेस्ट फॉर्म में। इसमें 2% जी, ये देखिए OT पेस्ट है हमारा, ये फोमिंग और फोम स्टेबिलिटी, देर तक झाग टिके और झाग ज्यादा बने, एक तरीके से फोम बूस्टर है ये, और एसेट स्टडी से 2.5 से 3 गुना अच्छा है, ये हमारी लैब कहती है। बाकी एक्सपीरियंस से थोड़े बहुत प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन 2 गुना तो प्लस है। जैसा अभी मैंने फोम को स्टेब्लिश करता है, फोम को टूटने नहीं देता, बनाएगा फोम, ठीक है, फोम को बढ़ाएगा, बनाएगा और फोम को देर तक रुकेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये उसमें से OT पेस्ट है, स्टेबिलिटी आपको दिख रही होगी। सफाई से रिलेटेड क्या है इसका? OT पेस्ट में भी वैसे सफाई से रिलेटेड इसमें एक चीज डाली गई है, ठीक है, OT पेस्ट भी सफाई में रोल करेगा। अभी प्रीमिक्स सोडा सब सफाई के आइटम है, इसमें स्लरी भी डाली जा रही है। देखिए, हम ये जो फॉर्मुलेशन बना रहे हैं ना, इसमें स्लरी लेके बना रहे हैं, सोडा सॉल्ट से एसिड। हाँ, अब देखिए सोडे का काम क्या है, सफाई, स्लरी और सोडा मिलके सफाई करते हैं। अच्छा, ठीक है, सॉल्ट फिलर है, ठीक है जी। इसका पूरा फॉर्मुलेशन मैं आपको व्हाट्सएप पे भी दे दूंगा, आप उसके लिए परेशान मत होइए। अगर कुछ मिस भी हो रहा है कोई बात नहीं, अभी सब रिटर्न में मिल जाएगा। आप मेन प्रोसेस को समझ लीजिए, प्रोसेस समझना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि क्यों डाल रहे हैं, क्या वजह है। अगर आपके डाउट्स नहीं क्लियर होंगे तो आप जाके फिर वहां पे परेशान होंगे। हम चाहेंगे यहां से आप जो भी ट्रेनिंग ले रहे हैं डाउट्स क्लियर होके जाएं। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या डाला जा रहा है, अब देखिए AOS डाला जा रहा है। AOS क्यों डालते हैं? AOS होता है फोम बूस्टर, झाग बढ़ाने के लिए। AOS कितना डाल रहे हैं? 5 ग्राम, 5% झाग। झाग को AOS देखिए एक ऐसा आइटम है, आसानी से सब जगह मिल जाता है, ठीक है, हमने इसलिए इसको इसमें यूज किया ताकि आपके पास अवेलेबिलिटी में रहे, एक चीज। दूसरा, AOS झाग बढ़ाता है, बहुत ज्यादा इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि ये माल को गीला भी करता है, मॉइस्चर ज्यादा लेता है क्योंकि लिक्विड में होता है ये। अभी देखिए कैसा है, दिखा दो एक बार AOS कैसा है। ये देखिए, ये AOS है, लिक्विड फॉर्म में है, ये थोड़ा माल को हल्का सा मॉइस्चराइज भी कर देता है, गीला कर देता है। देखिए, अभी सब कुछ हाथ से भैया मिला रहे हैं, इसको आप जब मिक्सर में डालेंगे, एक एक चीज तौल के आप मिक्सर में डाल सकते हैं इसको। प्रीमिक्स, देखिए प्रीमिक्स क्या चीज है, आप सभी का यहाँ पे सवाल होगा जो भी रूम में है। प्रीमिक्स एक तरीके का कंपाउंड है जो झाग, सफाई, वाटर सॉफ्टनिंग, ये सब चीजों का एक कंबाइंड एक कंपाउंड बनाया गया है। एक तरीके से समझ लीजिए एक बेस है, एक तरीके से समझ लीजिए सब कुछ यही है, ये खुद में एक वॉशिंग पाउडर की तरह बिहेव करता है। ठीक है जी, खुद में ही ये वॉशिंग पाउडर भी है प्रीमिक्स, और इससे ही ओवरऑल जो एक देखो, अच्छा आप ऐसे समझो, लाइफ में जैसे आप खाना खाते हो रोज, तो कभी ऐसा होता है बॉडी में कुछ न्यूट्रिशन नहीं रहता, डॉक्टर कहते हैं ना विटामिन की कैप्सूल ले लो या कुछ न्यूट्रिशन खा लो, तो एक तरीके से ये वॉशिंग पाउडर का मल्टी विटामिन या मल्टी न्यूट्रिशन वैल्यू प्रोवाइड करता है। सरी सोडा तो डाल रहे हैं आप, उतना न्यूट्रिशन उससे आ रहा है नहीं आ रहा है, जहां जो कमी छूट रही है वो प्रीमिक्स पूरी कर देगा। प्रीमिक्स को खुद ही आपने अभी आपने देखा है, देखिए प्रीमिक्स था इसमें बोतल में, कि इसमें खुद में ही देखिए झाग है और सफाई है। अभी सफाई भी मैं आपको प्रीमिक्स की दिखाता हूँ, अभी इसमें सिर्फ आपको झाग दिखाया गया है, सफाई भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन ये खुद में ही मल्टी विटामिन है वॉशिंग पाउडर का, ऐसा समझ लीजिए।
ठीक है। अभी देखिए इसमें एस एस लिक्विड डाला जाएगा, एस एस लिक्विड भी हमारा हाइटा इंडस्ट्रीज का बनाया एक प्रोडक्ट है जी जी। ये इसलिए डाला जाता है, एक तरीके से ये झाग के बबल्स को बड़े कर देता है, जल्दी झाग बनाता है, फास्ट झाग, फास्ट फोमिंग। देखो इंडिया में अब तीन बार हाथ हिलाया झाग नहीं बना तो आदमी समझता है वॉशिंग पाउडर में दम नहीं है, तो हमको बहुत कम टाइम में ज्यादा परफॉर्मेंस दिखानी होती है, तो हमने एक ऐसी चीज बनाई है कि जो झाग के प्रोसेस को फास्ट कर दे। ये सफाई में भी काम करता है एसएस लिक्विड। एसएस लिक्विड कितना? 2% डाला जाएगा। 2% सोडा इसमें हम लोग ने शुरुआत में बताया नहीं था इस वीडियो में क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सोडा इसमें 15% है ठीक है, और उसमें नमक 120 ग्राम का बेस था तो 60 ग्राम मतलब 50% नमक है ठीक है जी। कास्टिक 2 ग्राम। कास्टिक क्यों डाली जाती है? कास्टिक सोडा क्या होता है? कास्टिक सोडा को देखिए, एक तो पहली बात है चिप्स फॉर्म में आता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है कास्टिक। देखिए इसमें आपका लिक्विड फॉर्म में पड़ रहा है, हाँ ये कास्टिक है, इसको लिक्विड में कन्वर्ट किया गया। इसका काम क्या है? कास्टिक पीएच बैलेंसर है, जब पीएच की वैल्यू 10 के आसपास हो जाएगी तो सफाई बढ़िया करेगा ठीक है जी। जी ठीक है। सफाई का काम करेगा सर, पीएच की वैल्यू को बढ़ाता है, सफाई का काम करता है ना, फिर जब पीएच बैलेंस हो जाएगी ना 10 के आसपास आ जाएगी वॉशिंग पाउडर की, तो ये बढ़िया बेहतरीन सफाई करेगा, इसलिए इसको डाला जाता है। अब इसमें देखिए डाला जा रहा है क्या, एक एड ऑन भी हाइटा इंडस्ट्रीज का हमारी कंपनी का बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है एड ऑन। एड ऑन का मतलब है किसी भी चीज की वैल्यू को बढ़ा देना। एड ऑन को कैसे टेस्ट किया गया है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। एड ऑन में हमने जैसे एक पॉपुलर वॉशिंग पाउडर ले लिया बाजार से, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड है, एक पॉपुलर वॉशिंग पाउडर ले लिया जो 70 रुपये में एक किलो आता है, आप समझ गए होंगे ठीक है, एक उसको ले लिया, उससे हमने इसी बोतल में झाग बना ली। अभी मैंने आपको बताया था उसकी झाग यहाँ तक आई थी ठीक है जी, इसी बोतल में झाग बना ली और उसमें हमने चुटकी भर बिल्कुल इतना मतलब 1 ग्राम के आसपास का एड ऑन डाल दिया इसी बोतल में, उसकी झाग बढ़ के जी मतलब 1.5 गुना हो गई। तो एड ऑन का काम यह है कि किसी भी चीज की वैल्यू को बढ़ा देना। मतलब एड ऑन कितना डाला है? 1 ग्राम। ये क्वांटिटी झाग की बढ़ा, झाग की और सफाई दोनों चीज की परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। एड ऑन मीन्स किसी भी चीज की वैल्यू को, इसलिए नाम भी देखिए बहुत सिंपल रखे गए ताकि आदमी उससे कनेक्ट कर पाए। अब मैं इसका एक केमिकल नेम रख दूंगा तो आदमी उसको बोल नहीं पाएगा, तो मैंने इसलिए बहुत सिंपल नेम रखा है एड ऑन कि आपकी वैल्यू बढ़ाने वाला प्रोडक्ट है ये, जो भी आप चीज डाल रहे हो जितने केमिकल डाल रहे हो इन सब की शक्ति को अनलॉक कर देगा, बढ़ा देगा वैल्यू को बढ़ा देगा। बस अब देखिए लगभग सब कुछ डल गया इसमें, इस पे अपन लोग देखिए परफ्यूम डाल रहे हैं, अब देखिए 100 किलो में डिपेंड करता है आपको खुशबू कैसी चाहिए, तो उनको पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन जनरली हम लोग 100 किलो में लगभग 100 ग्राम डालते हैं, 120 ग्राम का बैच है तो उसके हिसाब से बहुत थोड़ा ही सा पड़ेगा ठीक है। 100 किलो में ऐसा समझ लीजिए परफ्यूम 100-125 ग्राम परफ्यूम पड़ती है बस। अच्छा ये लास्ट आइटम है, देखिए इसकी मैं बात कर रहा था आप लोगों से, आपसे कर रहा था, आप लोग अभी इसमें नहीं थे कॉन्वर्सेशन में। सिलिका दिखा दीजिए, सबको दिखा दीजिए, देखिए ये सिलिका है, ये बहुत लाइट है, बिल्कुल टेलकम पाउडर जैसी होती है। इसका काम क्या है? ये माल को सुखाता है और माल में व्हाइटनेस लाता है। ये देखिए अभी माल में डाला जाएगा, बेटा एक मिनट दिखा दो जरा, इधर देखो, अब देखिए अलग से आपको सिलिका दिखेगी, अभी माल में व्हाइटनेस भी ले आएगी और माल को सुखा देगी। जो भी पाउडर में जैसे भी लिक्विड आइटम डालने के बाद हल्का सा मॉइस्चर आ रहा है तो ये माल को सुखा देगा, मॉइस्चर को खत्म कर देगा सिलिका। कितना पड़ेगा सिलिका? देखिए ये 100 किलो में 0.5 ग्राम से 1 ग्राम तक, मतलब ऐसे समझ लीजिए एक आधा परसेंट से 1%, 100 किलो में 500 ग्राम से 1 किलो तक 100 केजी। अब देखिए हम तो छोटा बैच बना रहे हैं तो अपने हिसाब से थोड़ा सा डाल दे रहे हैं। इसके बाद दाना इसमें डालेंगे, ये शो के लिए होता है, कॉस्मेटिक आइटम है, कॉस्मेटिक आइटम है, आपकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए है। वॉशिंग पाउडर में ऐसा देखो फीका फीका सफेद वॉशिंग पाउडर, हाँ एंजाइम्स नहीं होता, ये नमक के दाने होते हैं, ये होते हैं एंजाइम्स। अच्छा कलर डालते हैं, देखने में खूबसूरत है, ये वाले काम करते हैं, एंजाइम्स काम भी करते हैं, और वो जो पहले डाले थे वो
ये आपका झाग को ये भी सपोर्ट करते हैं, झाग भी बढ़ाते हैं, थोड़ी सफाई भी करते हैं। झाग और सफाई, देखिए इंडिया में मांगा क्या जाता है आप बताइए। झाग और सफाई के लिए डाले ना, क्योंकि देखिए आप एक चीज को समझिएगा, 100 किलो में 0.5 आधा केजी। अब देखिए मेरी बात समझिएगा, 6 पैरामीटर होते हैं। 6 पैरामीटर का मतलब होता है वॉशिंग पाउडर में 6 तरीके के चीजें हमको चाहिए होती हैं। सबसे पहले झाग, फिर सफाई, फिर वाटर सॉफ्टनिंग मतलब आपका खारापन कम करना, ये वॉशिंग पाउडर तैयार हो गया। अब इसका 0.1 अभी आपको ये झाग बना के दिखाएंगे। अब देखिए 1 ग्राम का कितना डाल रहे हैं आप, 10वां हिस्सा, 0.1 ग्राम। देखिए 1 ग्राम का ये 10वां हिस्सा तोल रहे हैं, बिल्कुल जरा सा पाउडर 0.10। 1 ग्राम डाल देते ना तो फिर बहुत ज्यादा झाग बन जाती है, पता नहीं चलता है, तो इसलिए हम लोग ने एक स्टैंडर्ड बना लिया 1 ग्राम का 10वां हिस्सा। क्या होता है ये वॉशिंग पाउडर जो अभी बना है, इसको तोल के इसकी झाग बोतल में दिखाई जाएगी। कोई डाउट, देखिए सब लाइव हो रहा है, आप लाइव डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत होगी तो मैं सवाल का आपको आंसर करूंगा। देखिए इसमें हमने जो प्रीमिक्स डाला है, इसमें वैसे वॉशिंग पाउडर में 15 आइटम पड़ते हैं कायदे से। अच्छा एक वॉशिंग पाउडर बनाना है तो मिनिमम से मिनिमम 12, मैक्सिमम लोग 15 आइटम तक डालते हैं। उसमें स्टेन रिमूवर डालते हैं, स्टेन रिमूवर का मतलब होता है कि जिद्दी दाग को छुड़ाने का केमिकल। स्टेन होते हैं ना जो टफ स्टेन्स होते हैं, जिद्दी दाग जो ढीठ दाग होते हैं खून के, मैं बता रहा हूँ सर, मैं एक मिनट, मेरी बात कंप्लीट होगी तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। तो हमने इस चीज को अलग से ना डाल के, क्योंकि अलग से डालने में कॉस्ट बढ़ती है, तो हर चीज प्रीमिक्स बनाया है। प्रीमिक्स में एक हमने एक ऐसा बेस बनाया है कि जो हर चीज की न्यूट्रिशन वैल्यू को रखता है, जो झाग भी बढ़ाएगा, सफाई भी बढ़ाएगा, स्टेन भी जो जिद्दी दाग उनको भी छुड़ाएगा और चिकनाहट भी लाएगा। सिर्फ इसमें फिलर नहीं पड़े, फिलर का मतलब है नमक और डोलामाइट नहीं डाला, क्योंकि सस्ता करने का कोई आइटम नहीं, वो प्योर केमिकल है प्रीमिक्स। ये देखिए ये बोतल अभी ली गई है, इसमें देखिए कोई झाग नहीं, फिर से एक बार हिला के दिखा दीजिए, ये देखिए, ठीक है जी। अभी सिर्फ नॉर्मल पानी है, ठीक है। अभी इसमें ये 0.1 डाल रहे हैं, देखिए तोला है इन्होंने आपके सामने, और ये देखिए 0.1 डाला जा रहा है। हम लोग जो टेस्टिंग कर रहे हैं ये लैब लेवल की ही कर रहे हैं टेस्टिंग, ऐसे ही घड़ी में, ऐसे ही व्हील में, ऐसे ही बड़े लेवल पे होती है। सिर्फ हमने बोतल बस ले ली है, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा नॉन स्टैंडर्ड, वहां फोम ट्यूब में होती है, ठीक है। अच्छा, फोम बनाने का एक और ऑटोमेटिक तरीका भी है, एक हमारे पास मशीन है उससे अपने आप से फोम बन जाता है, लेकिन फिर वही है कि उसको फैला के यहाँ सेटअप करना पड़ता है, हम हाथ से कर रहे हैं ताकि आपको भी रियलिस्टिक और अपनापन फील हो कि मशीन नहीं कर रही है, क्योंकि आदमी ज्यादातर हाथ से ही हिला के या हाथ से करके ही झाग बनाता है। तो यही एक प्रोसेस है झाग मेनली बनाने का। ये देखिए 0.1 में देखिए पूरा ये लगभग भर गया, 1 ग्राम का 10वां हिस्सा लिया। ये हाँ, ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसमें देखिए डोलामाइट नहीं पड़ा है, कहीं पे डोलामाइट है? डोलामाइट एक ऐसी चीज है जो वॉशिंग मशीन लायक नहीं है, डोलामाइट नीचे बैठता है, इनसॉल्युबल होता है पानी में। ये वॉशिंग मशीन के लिए पाउडर बनाए, ये पूरा पाउडर घुलेगा, ये बाजार में मिलने वाले 70-80 रुपए के जो पाउडर हैं उनसे, उनके लिए बनाया गया है, फॉर्मुलेशन है। और ये बाजार में जैसे आपका घड़ी का क्वेश्चन था, व्हील का क्वेश्चन था, कैसा ये परफॉर्म करेगा, इसको कोशिश ये की गई है घड़ी व्हील से अच्छा बनाने की। इसमें कोई भी फिलर नहीं है, इस क्वालिटी को हम लोग टाइट की क्वालिटी बोल सकते हैं, ये जो पाउडर बना है ये टाइट की क्वालिटी का है, इससे भी ऊपर बन सकता है, लेकिन अभी ये जो बनाया जा रहा है टाइट की क्वालिटी का बनाया गया, ठीक है। अब और भी आपको फॉर्मुलेशन दे दिए जाएंगे, अभी प्रोसेस सेम है, ठीक है, मिलाने का प्रोसेस अभी आपको फॉर्मुलेशन मैम देखिए सब लिखे हुए हैं, हमने सिर्फ अभी एक दिखाया आपको, फॉर्मुलेशन मिल जाएंगे, प्रोसेस सेम है, आइटम आपको इंट्रोड्यूस करा दिया, कौन सा आइटम क्यों डालने, अभी सबको लिखित में भी दे देंगे रिटर्न में, ताकि आप इस चीज को अभी भूल भी जाएं, और अगर कहीं भूल भी जा रहे हैं तो वीडियो में मैंने 4 बार रिपीट किया है, तभी मैं वीडियो देखो मैं रोज काम ये करता हूं, मुझे पता है ना कि आदमी भूल जाता है यहां से जाने के बाद, क्योंकि इतनी टेक्निकल चीजें हैं आदमी को याद नहीं रहती है, तो वीडियो इसलिए रिकॉर्ड किया कि कहीं कुछ भी भूल भटक हो रही है तो वीडियो तो है, वीडियो में क्लियर हो जाएगा। देखिए सर, पहली बात हमेशा ध्यान रखिएगा, 3 तरीके के दाग एक बार में नहीं जाते हैं, पान के दाग, खून के दाग
और जंग के दाग, ये एक बार में नहीं जाएंगे, एक बार में नहीं जाएंगे। बहुत ही बेकार लोग हैं जो गुटखा खा के कपड़ों में लगा लेते हैं, बुरा मत मानिएगा जो भी कर रहे हैं, गिर जाती चाय के दाग। देखिए मेरी बात समझिएगा, अगर ऐसा वॉशिंग पाउडर बनाया जाए, ऐसा देखो आप सर्फ एक्सेल से भी धो के देखिएगा मैम, सर्फ एक्सेल से भी दाग नहीं जाएगा, ये हमने किया हुआ है, नहीं जाएगा पहली बार में तो नहीं जाएगा, दो तीन वॉश में जाएगा, फर्स्ट वॉश में नहीं जाएगा। सर्फ एक्सेल बहुत ही अच्छा वॉशिंग पाउडर बना रहा है, 140 रुपए में एक किलो है लगभग उसका रेट है, उससे भी अच्छे वॉशिंग पाउडर हैं बाजार में, लेकिन एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि बहुत ही अच्छा वॉशिंग पाउडर है। हमने उससे चाय के दाग धो के देखे, जंग के दाग धो के देखे और खून के दाग धो के देखे, एक बार में नहीं जाते हैं, दो तीन वॉश के बाद जाते हैं, मोबाइल ऑयल के बहुत जिद्दी दाग है। अगर मैं इसमें एक ऐसा केमिकल डाल दूं, केमिकल है बाजार में कि एक ही बार में दाग को हटा देगा, लेकिन डालने के बाद उसका नेगेटिव इफेक्ट समझिए, कपड़े का रंग ले जाएगा, वहाँ कलर चला जाएगा, नहीं डालते हैं इस ज्यादा क्वांटिटी में, नहीं डालते हैं, डालते हैं ताकि वो एक दो वॉश में चला जाए। अच्छा अगर सब कुछ ऐसे ही साफ हो रहा होता तो आप मुझे ये बताइए कि एक जो प्रोसेस होता है ना उसको क्या कहते हैं, ड्राई क्लीनिंग, उनकी सबकी जॉब चली जाएगी। ड्राई क्लीनिंग आदमी क्यों कराता है, जो दाग नहीं जा रहे होते हैं उनको पेट्रोल से और दूसरे स्पिरिट रेट से साफ करते हैं ना, यही तो प्रोसेस होता है उसका, ये भी आपका साफ करेगा लेकिन एक वॉश में नहीं, दो तीन वॉश में धीरे धीरे करके लाइट लाइट लाइट। अगर इसमें मैं केमिकल है मेरे पास मैं इसमें मिला सकता हूँ, लेकिन वहां का कपड़े का कलर आपका चला जाएगा, फेड हो जाएगा, तो ऐसा नहीं कर सकते, बहुत स्ट्रांग केमिकल्स नहीं मिला सकते। ये भी देखना पड़ता है कि हाथों में ना लगे, फैब्रिक सेफ हो, है ना, हाथ सेफ हो, क्योंकि लोगों का धोने का पैटर्न क्या है, हाथ से धो रहा है आदमी, सभी सारे लोग तो वॉशिंग मशीन में नहीं धो रहे। लेकिन ये जो वॉशिंग पाउडर बनाया गया मैम, ये वॉशिंग मशीन के ही लाइक है, क्योंकि इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो वॉशिंग मशीन को खराब करे। इसकी कॉस्ट क्या है? लगभग 35 रुपीज इंक्लूडिंग GST, 18% टैक्स लेके 35, ये टाइट की क्वालिटी लगभग बनाई गई है। अभी मैं आपको और भी दे दूंगा, इससे नीचे भी फॉर्मुलेशन दे दूंगा, आपने मांग करी है मेरे से, लेकिन ये इसलिए मैंने आपको दिखाया कि आदमी को एक होता ना कि एक अच्छी क्वालिटी बना के दिखाना बेटर होता है, कि आदमी कहते हैं सस्ती तो सब बना लेते हैं, अच्छी बना के दिखाइए, तो मैंने एक स्टैंडर्ड क्वालिटी बना के दी, इससे भी बेस्ट बन सकती है, इससे नीचे भी बन सकती है। अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे देखिए कई फॉर्मुलेशन हैं लिखे हुए, पाउच अलग, ये तो अभी हमने इसको कहते हैं RMC, रॉ मटेरियल कॉस्ट, पाउच की कॉस्ट अलग, हर चीज की कॉस्ट अलग होती है, प्लस प्लस जाएगी। कोई और सर सवाल? अच्छा ये बताइए जी, सर अभी फॉर्मुलेशन है टेबल पे ही, अभी आपके हाथ में आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं अभी एक लिमिटेड चीज है, अगर मन में कोई इसके अलावा सवाल है तो पूछ लीजिएगा, आपका सवाल का जवाब मैं अभी दूंगा जब आपके हाथ में फॉर्मुलेशन आएगा। रेशियो चेंज हो जाते हैं, चीजों के रेशियो चेंज जाते हैं, उससे कॉस्ट भी बढ़ती है। अभी जैसे आपने इसमें हमने फॉर एग्जाम्पल कोई चीज डाली सोडा 15%, तो उसमें वो चीज का रेशियो बढ़ जाएगा, हो सकता है 20% डाले, कॉस्ट बढ़ जाएगी, कोई चीज बढ़ती है कोई चीज घटती है, रेशियो चेंज हो जाते हैं चीजों के, ठीक है, फिर से रेट भी बढ़ जाते हैं। सर्फ एक्सेल 140 रुपए की चीज है। अच्छा एक छोटा सा आप सबसे सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और एक फनी भी सवाल है। एक चीज बताइए कि जैसे अगर आप मेरे से ये बोलते हैं कि सर एक मेरे को अच्छा वॉशिंग पाउडर दे दीजिए, एक मिनट रुकिएगा मुझे, देखिए सवाल ये था कि अगर आपको, आपका सर गुड नेम क्या था? अच्छा आप कहाँ से बताते आए थे? इटावा से। अच्छा आपको अगर मैं बोलूं कि 100 रुपए का आपने मेरे को बोला कि ऋषभ भैया ये लीजिए 100 रुपए, एक मुझे एक अच्छा वॉशिंग पाउडर दे दीजिए, और ऋषभ भैया अगर एक 15 रुपए या 20 रुपए का वॉशिंग पाउडर बनाए और आपको 100 रुपए में दे दें, तो आप मेरे पास दोबारा आएंगे? नहीं आएंगे ना। क्यों? क्योंकि मैंने 1 रुपए की चीज 5 गुने में बेच दी आपको, यही तो हुआ है, करेक्ट। तो मैं आपसे ये बात बोलूंगा कि ऐसे ही आप भी अपने कस्टमर को जब देंगे माल, तो आपको ये रेशियो मेंटेन रखना पड़ेगा। वॉशिंग पाउडर में 1 रुपए की चीज ज्यादा ज्यादा 2.5 गुने 3 गुने में आप दे सकते हो, समझे जी, ये ध्यान रखिएगा बात। 140 रुपए MRP है सर्फ एक्सेल की, तो कम से कम 50-55 रुपए के आसपास आपको बनाना चाहिए, ठीक है सर। और सर कोई सवाल? बाकी अभी थोड़ा आपको ये असेस कर देंगे और मेरे को थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, ठीक है। क्या वो अभी मैं आपको बताऊंगा अलग, वो अभी आपको अलग फॉर्मुलेशन, ये तो एक आपको प्रोसेस बताया कि वॉशिंग पाउडर कैसे बनता है, पीतांबरी आदा भी अभी आप लोग को बता देंगे, ठीक है सर।
चलिए थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द वीडियो. थैंक यू आपके लिए कि आप समय दिया. थैंक यू सर. काफी चीज क्लियर की जी. आपको इस क्लास में सब समझ में आया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना वॉशिंग पाउडर कैसे बन रहा है? चलिए.